ये भी नहीं पता था कि चुनावी माहौल में जाना पड़ेगा, ये भी नहीं पता था कि नगीन आना पड़ेगा, ये भी नहीं पता था कि जिंदगी कहां ले जाएगी। बहुत सारी मुसीबतें झेली, अपने लोगों की लड़ाई लड़ने लगे तो जेल भेज दिया गया, बेल होगी तो एनएसए लगा दी गई, एनएसए खत्म हुई 16 महीने की जेल कटी, फिर सड़कों पे आ गए, फिर दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, गुरु घर तोड़ दिया गया, फिर उसकी लड़ाई लड़ी, 66 दिन जेल चले गए 96 लोगों के साथ, वापिस आए, एक महीना नहीं हुआ था एनआरसी का पे कानून बन गया, सड़कों पे आंदोलन शुरू हो गए तो जमा मस्जिद से गिरफ्तार होकर जेल चले गए। जेल गए तो जो जुल्म कर सकती सरकार उन्होंने सब किया, आपने देखा होगा क्या हालात करती पुलिस पकड़ गई, खूब लाठियां मारी, दांत तोड़ दिए सीधी लाठी मार के, रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया इतना 7 mm का, इतनी लाठियां मारी होंगी 250 लाठियां, पैरों जितना जुल्म कर सकते थे किया। वहां से आए, कोर्ट ने कह दिया कि 24 घंटे ज्यादा रुकोगे, फिर 24 घंटे वहीं गए जहां से वापस आए थे, सब लोगों को ऐलान किया कि घबराओ मत, फिर पूरे देश में घूम घूम के शाहीन बाग बनाए, वो आंदोलन खत्म हुआ तो उसके बाद जो भी जुल्म हुआ, चाहे कोरोना काल में निजामुद्दीन मरकज को बंद करने का मामला हो, मौलाना साहब साहब पे मुकदमा करके उनको जेल भेजने का मामला हो, प्रयास हो, चाहे तबलीगी जमात के साथ जो जुल्म हुआ, दुनिया में से जो लोग यहाँ आए हुए थे तबलीगी जमात के उनको जैसे बंद करते हैं डिटेंशन सेंटर में, उनको छुड़वाने की लड़ाई हो, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी की लड़ाई हो, चाहे अखलाक की लड़ाई हो कासगंज में जब 1.5 फीट की टंकी में मार के लटका दिया, चाहे यहाँ आपके यहाँ सलमान की लड़ाई हो जिसको सलमान को गोली मारी गई, चाहे मेरठ में जिन बच्चों को गोली मारी गई थी जिनके जिनको दफीना भी जो है गाजियाबाद मिला, चाहे नासिर जुनैद की राजस्थान से लाके हरियाणा पीट पीट की हत्या कर दी गई हो, कोई मसला रहा हो, चाहे हल्द्वानी का मामला हो, और परसों जो हुआ वो आपने देखा दिल्ली में, देश की राजधानी में जो हुआ आपने देखा, ये जो दो तरह के कानून इस देश में सत्ता में बैठे गए लोग चला रहे हैं, इनको आप किसी और ताकत से नहीं रोक सकते जब तक आप इनकी सियासी ताकत कमजोर नहीं करोगे, और सियासी ताकत कमजोर करने के साथ साथ जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे, राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे कमजोर को, राजनीति का मतलब ये है कि आप अपने आप को ताकतवर करो, जब तक आप खुद को ताकतवर नहीं बनाओगे, ताकतवर आवाज नहीं बचाओगे, जब तक पार्लियामेंट में आपके लिए बोलने वाले लोग नहीं होंगे तब तक आपकी कोई सुनवाई वहां नहीं, आप 17.5 लाख लोकसभा के जाके नहीं बोल सकते वहां, जब जिस व्यक्ति को आप चुन के भेजते हो वो जाके जब तक नहीं बोलेगा तब तक इस क्षेत्र में विकास का कोई कार्य नहीं होगा, मेरी बात को आप याद रखो। ये सरकार तो वैसे भी जाति धर्म देख के काम करती है, कपड़े देख के इनको पता लग जाता है आरोपियों का, लेकिन मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं दहीरपुर के मेरे साथियों, ये लड़ाई सिर्फ दहीरपुर की नहीं, ये लड़ाई सिर्फ इस जिले की नहीं, ये लड़ाई इस प्रदेश की नहीं, ये लड़ाई देश में भारतीय संविधान बचाने की और अपनी नस्लों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये लड़ाई उस बात की है, ये लड़ाई इस देश में जुल्म जाति की बेड़ियां काटने की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश में उन लोगों की, मुझसे मत कहलवाओ आप सब जानते हो मैं उस धरती से आता हूं जहां से रेशमी रुमाल तहरीक चली, मैं उस धरती से आता हूं जहां से तोपखाने लूटने के लिए अंग्रेजों की कमर तोड़ी गई, मैं उस धरती से आता हूं जहां मेरे आसपास बड़े से बड़े तमाम जो है उलेमा और तमाम जो है बड़े बड़े जो है आलिम रहते हैं, आप आओगे तो आपको पता लग जाए चाहे रायपुर का खानका हो, चाहे संसारपुर, चाहे देवबंद हो, चाहे नानका, तमाम बहुत जिम्मेदार शख्सियतें उस धरती में पैदा हुई, मैं उस धरती से आया हूं और उस धरती ने मुझे सिर्फ यही सिखाया कि जब जुल जाती हो तो चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आपको एहसास भी नहीं होगा आप दहीरपुर में हैं, पूरे देश से बहुत बहुत बड़े जिम्मेदार लोग आपकी गलियों में, गांव में, बस्तियों में घूम रहे हैं आपसे अपील करते हुए कि चंद्रशेखर आजाद के हाथों कमजोर मत होने देना, आपको एहसास भी नहीं होगा क्योंकि पूरे मुल्क में भीम आर्मी का संगठन है, आपने देखा आप यहां थे जब वहां कर्नाटक में हिजाब का मामला हुआ तब भी वहां भीम आर्मी के नौजवान झंडा डंडा लेके उन बहनों की हिफाजत कर रहे थे, हमने तो ये प्यार आपस में पैदा किया कि एक दूसरे की आवाज बन सके। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं अपनी सियासी सोच को मजबूत कीजिए, ये वोट का अधिकार ये बाबा साहब अम्बेडकर की 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से हमें मिला है, ये वोट का अधिकार
गुलामी की बेड़ियां काटने को मिला और यही वोट का अधिकार तय करेगा कि शासन प्रशासन किस हिसाब से काम करेगा। अभी तो जो हालात हैं उससे आप बेहतर उसके जागरूक हैं। क्या हालात है आप देख, निर्दोष को पकड़ के जेल लग जाते हैं, उसको पकड़ के जेल भेज देते हैं, लाठियां बजाते हैं। और एक जो बात मैं नहीं कहना चाहता, आप देख रहे हो जिस अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है, जिस चीज पे हाथ रख दो कल कोर्ट भी कहता है इनकी दे दो दे दो दे दो। साहब बैठे कार्य इकरार हमारे बीच जन्मे हमारे महापुरुषों ने हमें इस वोट के लिए तैयार किया कि इस वोट की अहमियत को समझो। हमारे हालात आपसे बुरे थे, आपसे बुरे। हमने इस मुल्क में सदियों हजारों साल जनजाति सही, हम पे अच्छे मकान बनाने के, स्कूल में जाने के, कुर्सी में बैठने के, मंदिर में जाने के अधिकार भी नहीं थे। इस वोट की ताकत से हमने इतनी अपनी हैसियत बनाई, पार्टी का झंडा उठा के भारतीय जनता पार्टी से एमपी एमएलए बना और लाठी लेकर तमाम दलित पिछड़े आदिवासी किसान मजदूर मुसलमानों के पीछे बौद्धिस्टों के पीछे ईसाइयों के पीछे लाठी ले घूमा, उनके रास्ते में 100 कांटे उसने लगाने का काम किया। पार्टी आगे बढ़ जाएंगी ये नहीं हो सकता है। आप ये बताओ, अभी आपने राज्यसभा का चुनाव देखा, बहुजन समाज पार्टी का एक एमएलए है उसने पर्चा दिखा के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, समाजवादी पार्टी के 8 एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और वो उत्तर प्रदेश के एमएलए आपकी वोट से बने एमएलए, और कांग्रेस पार्टी के 9 एमएलए ने हिमाचल आप पे जुल्म करने वालों की टांगे कांप जाएंगी, मेरी बात को आप लोग याद रखना। और ये यहां नहीं, ये यहां नहीं, मैं वचन देके कहता हूं, इतनी ताकत दी है आप लोगों ने मुझे कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नगीना तक बीमार में आजाद समाज पार्टी के, मैंने आपने अपने साथियों कहा था शुरुआती दौर में कि मैं तुम्हें भूत दिखाऊंगा यहाँ, तो कह रहे कैसे, मैंने कहा जब वो बीमार में आजाद समाज पार्टी की फौज आएगी ना देश में से यहाँ, तो आपको हर गली में 10-20 आदमी दिखेंगे नीले पटके पहन के, आप ये कहोगे ये भूत कहाँ से आगे, जिस गली में जाते हैं वहां 10-20 आदमी खड़े मिलते हैं, जिस गली में जाते हैं 10-20 आदमी रहने वाला हूँ, और 8 दिन से अपनी गाड़ी लेके यहाँ वर्करी कर रहा हूँ आपकी। मैंने कहा भाई मैं तो आपको जानता नहीं, तो कहा आप नहीं मुझे जानते मैं आपको जानता हूँ। भाई मैं हल्द्वानी गया था क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद नहीं खड़ा हुआ तो हमारी आवाज को कहने वाला कोई पार्लियामेंट में बचेगा नहीं। ये एक दिन जब मैं कमजोरों पे होने वाले जुल्म को रोकने के लिए वहां लड़ूंगा, आपका सीना यहाँ घर में बैठ के छोड़ा होगा कि हमने जिसको ताकत दी थी वो मजबूत निकला, वो हमारा भाई, उसने हमारी इज्जत की रक्षा की, वो हमारे हक हकूक के लिए लड़ रहा है, इस बात को आप याद रखना। आप ये सोचते हो जो मुकदमे डर जाए, जो जेल से डर जाए, मैंने 4 साल जेल काटी, और मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको खूब पैसा दे दूंगा, मगर मैं आपको पहली बार में कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला कोई इधर मुल्क के लिए खैरियत की दुआएं होंगी तो चंद्रशेखर आजाद के जीतने की दुआएं भी यहां होंगी, मेरी बात को आप याद रखना, ना हो तो मुझे अब ये इसके बगैर काम चलेगा नहीं। भाई पहले सुन लो, एक वोट एक नोट, जिनसे मुकाबला है उनपे बहुत पैसे हैं, बहुत साधन है, और सारी मीडिया उनके पास है, जो मोदी जी करती रहती है पूरे दिन, तमाम तरह की और करोड़पति पूंजीपति उद्योगपति उनके साथ है, अडानी अंबानी जैसे, तो समझदार रहो ना, हम सफर से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा, मेरी बात को आप याद रखना। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा हमें ताकत देने के लिए, कोई बाहर का मुल्क नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, हमें अपने मुल्क में इज्जत मान सम्मान से जीना है, अपनी ताकत बना के जीना है, हम यहाँ गुलामी की बेड़ियां काट के रखेंगे और मदद करें, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से मदद जरूर करें जिससे कि इस लड़ाई में हम उनका मुकाबला कर सके। क्यों जावेद भाई खड़े हो जाओ, क्या मैं कोई कारोबार करता हूँ? कोई नौकरी? मैं तो वकालत भी नहीं करता, तो सच तो ये है पिछले 10 जब से मैंने सोचा था 10 साल से अपने काम, फोन जरा एक बार निकाल लेना अपने फोन बाहर, इसमें हर एक फोन में कम से कम 50-50, 100-100 नंबर है आपके दोस्तों रिश्तेदार के, है या नहीं, आपके क्षेत्र के लोगों के, क्या एक आदमी दो दो चार चार आदमी को तैयार नहीं कर सकता है? ये इनके क्या लगते हैं आप, इनके भाई हैं, इनको आके पहले से कह दिया कि पैसे भी लेके जाएगा, वो आ रहा है पैसे भी पड़ेगी, बेरोजगारी खत्म करनी है तो सरकार बदलनी पड़ेगी, जुल्म जाति बंद करनी है तो सरकार बदलनी पड़ेगी, और
अगर अपने मुल्क में दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनना तो भी सरकार बदलनी पड़ेगी, और सरकार तभी बदली जाएगी जब हम मजबूती से इनके खिलाफ मुखालफत करेंगे और अपने लोगों को तैयार करेंगे।